सर वो डाटा ना मैच नहीं हो रहा था एंट्री से, तो एक बार आप टैली कर देंगे सर? अरे तुम खुद करके देख लो ना, तुम कर लो इसे। ओके सर। सर आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम अपना काम करो ना, करो जो करने आई हो। सर क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने तुम्हारा हाथ कोई छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, और वैसे भी तुम बच्ची नहीं हो, जो मैं चाहता हूँ ना वो सब कुछ तुम समझ रही हो। अब एक बात बताओ, तुम अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहती हो या नहीं? चाहती हो ना गाड़ी बंगला आईफोन ये सब, मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उसके लिए हाँ कर दो। बोलो तो अभी होटल चले। सर आप मुझे जिस टाइप की लड़की समझ रहे हैं ना, मैं उस टाइप की लड़की हूँ नहीं। अरे कहाँ जा रही हो, एक बार बात समझने की कोशिश तो करो। छोड़िए सर। कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही। हेलो मम्मा। बेटा पैसों का इंतजाम कर लिया? बेटा थोड़ा जल्दी पैसों का इंतजाम करियो, तुझे तो पता है ना तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मा पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ मैं कल तक भिजवाती हूँ ना पैसे। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ सब ठीक है, अब बाय। काव्या काम हो गया? जी सर बस थोड़ा सा रह गया, होने वाला है। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, काम करने में परफेक्ट तो हो तुम, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। सर अब प्लीज आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए मेरे से, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता ऐसे। अरे क्या हो गया काव्या, बस कंधे पर ही तो हाथ रखा है, छोटी छोटी बातों को इतना इशू बना लेती हो। अरे मैंने तुमको बोला है ना मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, बस जैसा बोलता जाऊँ वैसा करती जाओ। बताओ क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रमोशन भी करा दूंगा मैं। देखिए सर आप मुझे जिस टाइप की लड़की समझ रहे हैं ना, मैं उस टाइप की लड़की हूँ नहीं। अरे मुझे अच्छे से पता है तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम जब अपनी माँ से बाहर बात कर रही थी ना तब मैंने सुन लिया था, तुम्हारे पापा की बहुत तबीयत खराब है ना, पैसों की बहुत नीड है, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, बस जैसा जैसा बोलता जाऊँ वैसा वैसा करती जाओ। करोगी ना मेरे लिए इतना, अरे लाइफ बना दूंगा तुम्हारी, करोगी बताओ करोगी? सर प्लीज हटिए यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे को चाटा मारा, काव्या देख तुझे तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं, अब देख तू। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था सर, वो गुस्से में हो गया सर, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, आई एम सॉरी। कोई नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ मेरे लिए यही बहुत है, और वैसे भी तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों ने मेरे गालों को तो छुआ, अगर आज तुम नहीं मानती ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा देता, पता है तुमको? अब तो मान ही गई हो तो ये बहुत अच्छी बात है, चलो किसी होटल में चलते हैं ना, चलोगी ना, मना तो नहीं करोगी? अरुण सर आप यहाँ यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस लड़की के साथ बदतमीज करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे टच करने की? अरे नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं करा। अरे आप इससे पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, अरे मैं बस इससे काम के रिलेटेड बात कर रहा था। अच्छा तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आ गई है जिस रिकॉर्डिंग में तुम बदतमीजी कर रहे थे इस लड़की के साथ। अरे
मैम आप रोइए मत, आपके साथ सर ने जो कुछ भी कराया ना वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और वो वीडियो मैंने बड़े साहब को भेज दिया है, वो आते होंगे। अरे तुझे शर्म नहीं आती ऐसे घिनौनी हरकत करते हुए? अरे तेरी वजह से ना मुझे ऑफिस आने में भी डर लगता था, अरे काम तक में मन नहीं लगता था। जब जब तू छूता था ना, अरे इतनी इरिटेशन फील होती थी, मन करता था तुझे तभी थप्पड़ मार दूं मैं। लेकिन मेरी भी तब मजबूरियां थी, मैं कर नहीं पाई। लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है, अब तो सर ने खुद अपनी आंखों से देख ली तेरी सारी घिनौनी हरकतें। ना जाने तूने और कितनी लड़कियों के साथ ऐसी सेम हरकत की होगी और कितनी लड़कियों ने चुपचाप ये सहा होगा, लेकिन मैं और नहीं सहूंगी। और तेरी किए की सजा ना तुझे दिलवा के मानूंगी, समझा तू? काव्या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें माफ करो या फिर इनकी कंप्लेंट करो। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि ये आदमी ना जेल में सड़े, क्योंकि अगर ये खुला घूमेगा ना तो ये बाकी लड़कियों के साथ भी वही करेगा जो आज इसने मेरे साथ किया है। इसलिए इस आदमी को ना सजा दिलवाना ना बहुत जरूरी है। इसलिए सर मैं चाहती हूँ आप इसकी कंप्लेंट करें। ठीक है, मैं अभी इसकी कंप्लेंट करता हूँ। इंस्पेक्टर नायक,